हेलो साथियों, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ एल्कोहल फिनाल ईथर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर टू पर। मैंने दो वीडियो जिस पर आपको प्रोवाइड करवा दी थी, जिस पर मैंने एल्कोहल को वर्गीकरण बताया था, कितने भागों में एल्कोहल को बांटा गया है। इसके बाद मैंने बताया था कि एल्कोहल किससे बनता है, एल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि आपको पूरी तरह से कंप्लीट समझा चुका था, यानी ROH में आपको बनवा चुका था, जहाँ पर R एल्किल होता है। R का एल्किल का फार्मूला होता है हमारा CnH2n और -K1। तो दोस्तों क्या होता है, CnH2n+1। दोस्तों यहाँ पर प्लस वन होता है CnH2n+1, ये एल्किल का फार्मूला होता है। दोस्तों किसका फार्मूला, एल्किल R का फार्मूला। तो जब आप इसमें मेथ वन का मान रखते हैं तो ये निकल आता है CH3, और जब एथ टू का मान रखते हैं तो ये निकल आता है C2H5। यानी कि जब OH समूह, मैंने आपको बताया था एल्कोहल की परिभाषा कि जब एल्किल समूह में किसी भी, सभी एल्किल समूह में, क्योंकि एल्किल के फार्मूले से निकल रहे हैं, तो आपको कह देना है एल्कोहल की परिभाषा, जब किसी एल्किल समूह को OH समूह से जोड़ दिया जाता है तो वही क्या कहलाता है, एल्कोहल कहलाता है। तो मैं R के स्थान पर या तो CH3OH रख दूं, या तो भी एल्कोहल है, ये मेथिल एल्कोहल हो जाएगा, क्योंकि ये मेथिल का फार्मूला है। मेथ में, एल्किल के फार्मूले में मेथ का मान वन रख के निकाला गया है। अगर मैं यहाँ पर C2H5 जो एथ का मान रख के निकाला गया है तो इसे रख दूँ, तो ये क्योंकि मेथ है और एल्किल के फार्मूले में रखा गया है तो मेथिल निकलेगा। और अगर ये दो रखा गया है तो मेथ एथ होता है, एल्किल के फार्मूले में तो एथिल निकलेगा, तो एथिल मैंने लिख दिया और इससे OH को लगा दिया, तो ये हो गया एथिल एल्कोहल। तो आपके फाइनली समझ में आ गया होगा कि एल्कोहल की परिभाषा क्या होती है। तो ये मैंने ROH बनवा दिया था। दोस्तों अगर आपको एल्किल पता हो गया ये निकालना, तो आप जितने भी होते हैं मेथ एथ प्रोब्यूटपेंट, इस फार्मूले की मदद से सारे फार्मूले निकाल सकते हो, इसके बाद रख सकते हो, सभी प्रकार के एल्कोहल बना सकते हो। मैंने आपको एल्कोहल सिखा दिया था। अब मैं बात करूंगा कि एल्कोहल जो होता है वो रासायनिक गुण, यानी कि एल्कोहल जैसे जिस भी चीज से क्रिया करता है तो किस प्रकार से करता है, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ये ROH एल्कोहल किसके साथ, जैसे कि फर्स्ट मैंने अभिक्रिया ली है सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया। मान लीजिए जैसे सक्रिय धातुएं हो गई सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जैसे इन इस प्रकार की धातुओं से रिएक्शन करता है तो क्या करता है, देखिए आइए देखते हैं। जैसे मैंने पहले लिख लिया ROH, क्योंकि आप किसके रासायनिक गुण देख रहे हैं, एल्कोहल के रासायनिक गुण देख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ROH। फिर इसके बाद मैंने लगाया प्लस, इसके बाद मैं बताया आपको एल्कोहल, मैग्नीशियम, सोडियम, तो मैंने यहाँ पे सोडियम ले लिया, आप कोई भी धातु ले सकते हैं। इसके बाद हमको सिंपली क्या करवा देना है, रिएक्शन। तो दोस्तों हमें सिंपली इसके साथ जब रिएक्शन करवा देंगे, मैंने यहाँ पे इसके साथ रिएक्शन करवाया, जब यहाँ पे हम रिएक्शन करवाएंगे तो होने क्या वाला है, समझिएगा मेरी बात। इस H के स्थान पर इस Na को लिख देंगे, इस H के स्थान पर ये Na आ जाएगा, तो ये हो जाएगा RONa। अब हमारे पास दोस्तों क्या बचा, H बचा, तो हम प्लस में जो है क्या करेंगे, इस H को यहाँ पर लिखेंगे तो H का कोई हाइड्रोजन तो निकलेगा नहीं, नवजात तो निकल नहीं सकता, यहाँ से हमारी हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। जब हमारी हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी तो यहाँ जब दो H हैं तो यहाँ भी दो H होने चाहिए, क्योंकि हमें रिएक्शन को बैलेंस भी करना होता है। तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा 2। जब यहाँ पे मैं 2 लगा दूंगा तो मैं यहाँ से देखूंगा कि यहाँ पे 2 R हो गए और इधर R हमारे पास 1 है, तो मैं यहाँ पर भी 2 लगा दूंगा। फिर इसके बाद मैं देखूंगा कि यहाँ से हमारे पास 2 O है तो 2 O इधर है, लेकिन Na की संख्या यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो Na की संख्या यहाँ पर भी आप 2 कर लेंगे। तो आपको समझ में आया रिएक्शन कैसे करते हैं, रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, ये तरीका मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले रिएक्शन करने के लिए इधर से जैसे कि आप लिख लेते हैं, हालांकि ये लैब में सारी रिएक्शनें हो चुकी होती हैं तो वही होती है, परंतु यहाँ से अगर आप हल्का सा माइंड लगा लेते हैं, यदि आपको फार्मूले याद हैं तो यहाँ से पहले कर लेंगे, फिर इसी प्रकार से बैलेंसिंग कर लेंगे जैसे मैंने अभी अभी कि दोस्तों यदि आपको फार्मूले याद करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने एक ऐसी वीडियो बनाई है जिस पर आपको केमिस्ट्री के सभी फार्मूले याद हो जाएंगे। दो वीडियो जो पर, तो उनकी लिंक मैं आई बटन पर और इन स्क्रीन पर दोनों में देने की कोशिश करूंगा। तो आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। और हाँ दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर और भी कुछ रखना हो R के स्थान पर, जैसे मैं रख लेता हूँ C2H5, तो आप रख सकते हैं। ओनली आपको रखना है R के स्थान पर, जैसे लिख दिया C2H5 और ये OH, उसी प्रकार क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया था R का फार्मूला होता है CnH2n+1। इसको याद कर लीजिए, मेथ एथ प्रोब ब्यूट पेंट हेक्स एक्ट आकनंदे के 10 होते हैं, आपको पता ही होगा। तो जैसे मेथ पहले नंबर पर आता है तो यहाँ पर जब 1 रखेंगे तो मेथिल निकल कर आएगा, क्योंकि ये फार्मूला एल्किल का है। तो मैंने यहाँ से 2 रखा तो यहाँ से एथिल निकल कर आया,
H2S5 तो मैंने यहाँ पे रख दिया, और इसके बाद फिर आप 2 NaCl लिख देंगे, मतलब किसी भी अल्कोहल से आप रिएक्शन करवा सकते हैं। मेरे बताने का मतलब ये है कि R के स्थान पर फिर यही C2H5 आ जाएगा, तो 2C2H5 ONa और प्लस में H2, हमारी रिएक्शन जो होगी वह पूरी तरह से, हमारी जो रिएक्शन होगी पूरी तरह से बैलेंस होगी। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि सक्रिय धातुओं से किस प्रकार रिएक्शन करते हैं आपके समझ में आया होगा। अब मैं आता हूं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। तो दोस्तों अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक अम्लों से अभिक्रिया। तो दोस्तों यहां पर मेन जो हमारी बात आ रही है वो फार्मूलों की आ रही है। अब यदि आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल का फार्मूला ही नहीं पता तो क्या आप इस रिएक्शन को कर पाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूँ यहाँ पर आपको कोई घबराने की बात नहीं, यहाँ पर तो मैं फार्मूला बताऊँगा ही बताऊँगा, लेकिन आपको भी याद होने चाहिए फार्मूले। इसलिए आप मैंने 2 पर्टिकुलर वीडियो बनाई है जिनकी लिंक इंड स्क्रीन पर वो दोनों वीडियो मिल जाएंगी, उन्हें आप देखिएगा। और जो भी मैं फार्मूले यहाँ पे लिख रहा हूँ उनको अपनी एक कॉपी पे नोट्स बनाते हुए लिख लीजिएगा, ये मैं आपसे उम्मीद करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा फार्मूला होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का वो होता है RCOOH। क्या होता है दोस्तों? RCOOH। और R क्या होता है ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और इसके बाद हमें किसके रासायनिक गुण देख रहे हैं? एल्कोहल अभी देखा जा रहा है, फिर इसके बाद फिनाइल, फिर इसके बाद ईथर। तो दोस्तों हम एल्कोहल देखते हैं तो हम सीधे एल्कोहल में ROS से क्या करवा देंगे? रिएक्शन करवा देंगे। दोस्तों अब हमको रिएक्शन का आप ध्यान देना, दोस्तों यहाँ पर हमें करना क्या होता है, बस हमें बस यहीं पर थोड़ा सा माइंड लगाना होता है, यहीं पे हमारी बात है रिएक्शन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप चाहे तो इसे R डैश कर सकते हैं, चूंकि यहाँ पर CH3 ले सकते हैं और यहाँ पर C2H5 अगर ना चाहे तो CH3 या फिर C2H5। इसका मतलब ये हो जाएगा कि समान एल्कोहल, अगर ये नहीं लगाते तो हो जाएगा समान एल्कोहल। अगर इधर आप CH3 ले रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको CH3 लेना होगा। अगर यहाँ पर आप डैश लगा देते हैं तो फिर यहाँ CH3 ले रहे हैं तो यहाँ पर आप C2H5 ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने फाइनली लगा दिया। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है वो मैं सिंपली यहाँ पे समझा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ, मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। दोस्तों आप जानते होंगे एस्टर का फार्मूला होता है RCOOH, यानी कि R भी कह सकते हैं आप। इसके बाद हमारे पास क्या हुआ, ये वाला जो R था वो इधर आ गया, होने क्या वाला है इस रिएक्शन में, ये वाला जो R है वो H के स्थान पर आ गया, और ये वाला जो H है इस H के साथ मिलकर क्या बना दिया, H2O बना दिया। क्या बना दिया दोस्तों? H2O बना दिया। अब इसके बाद हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। यदि हमारी रिएक्शन अनबैलेंस होगी तो बैलेंस इसी प्रकार की जाती है, जैसे हमारे यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे H, तो यहाँ पर हमारे पास 2H है तो यहाँ पर भी 2H है, तो इसका मतलब हमारे H बैलेंस है। यहाँ पर हमारे पास O की संख्या यहाँ 3 है तो यहाँ भी O की संख्या 3 है, और यहाँ पर R की संख्या 2 है तो यहाँ भी R की संख्या 2 है। इसका मतलब हमारी रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता चला रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं, रिएक्शन कैसे करते हैं, और रासायनिक की वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है 2 आपने की। इसके स्थान पर आप CH3 रख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं इस रिएक्शन को, CH3COOH प्लस इसके स्थान पर C2H5 रख सकते हैं, सॉरी, और यहाँ भी आप CH3 कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर मैंने डॉट लगाया था इसलिए यहाँ पर C2H5 ले लेता हूँ और यहाँ पर CH3 ले लेता हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर CH3 अगर रखा था मैंने तो यहीं पर भी CH3 रख सकते हो और यहाँ पर C2H5 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली आपको ऐसे ही रिएक्शन कर देना है। करना क्या है, CH3 ये वाला R के स्थान पर आप वही R का मान जो रखे हैं, और C2H5 जो R डैश के स्थान पर रखे हैं, फिर इसके बाद H2O। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों ये आपके समझ में आ गया होगा। तो अब दोस्तों बात आती है इसकी थ्योरी कैसे लिखनी है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आप कहेंगे एल्कोहल जो हमारा है, एल्कोहल ये हमारा क्या है दोस्तों, एल्कोहल है जो, तो एल्कोहल हमारा कार्बोक्सिलिक अम्लों से अभिक्रिया करके किसके साथ दोस्तों, अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्लों से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। ये हमारा क्या का फार्मूला है दोस्तों, एस्टर का फार्मूला है। एस्टर ग्रुप होता है आपका जो IUPAC में बहुत काम आता है, इंपॉर्टेंट ग्रुप है, एस्टर ग्रुप हो गया। इसके बाद दोस्तों यदि आप कहना चाहें तो इसकी थ्योरी आप और भी दूसरी तरह से कह सकते हैं, जो भी आपको कहना हो, लेकिन यहाँ पर आप कहेंगे एल्कोहल को जब आप कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है। तो दोस्तों मैं ये 2 रिएक्शन पार्ट 1 पर करवा दी आपको। अब नेक्स्ट में टाइम पर भी मैं ये रिएक्शन 2-3 लेकर आऊंगा, तो उनके लिए आप वेट करिए।
हेलो दोस्तों, अब आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के किसी भी सवाल का सलूशन 10 सेकंड में पा सकते हैं। आपको करना क्या है, नीचे दिए गए एक डाउटनेट नामक ऐप के लिंक को क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद इसे ओपन करना है। जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। फिर आपको इस कैमरे वाले आइकन पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद अपने आपको जो भी सवाल ना रहा हो उस पर इसकी फ़ोटो खींचना है और उसी क्वेश्चन को यहाँ पर क्रॉप कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर इसे क्रॉप कर रहा हूँ। और ऐसे ही क्रॉप करके आपको इस फाइंड सोल्यूशन पर क्लिक कर देना है। फाइंड सोल्यूशन पर क्लिक करते ही आपका वीडियो सोल्यूशन आपके सामने होगा। जैसे ही आप देख सकते हैं दोस्तों, आपका वीडियो सोल्यूशन आपके